दिल में अगर कुछ करने का जज्बा हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही एक करिश्मा बिलासपुर और सोलन जिला की सीमा पर कैंची मोड़ के रहने वाले जगतराम ठाकुर ने कर दिखाया है। स्वर्गीय गोपाल राम के इस होनहार बेटे ने ऐसा करिश्मा किया है कि लोग हैरान हो जाते हैं। वे यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति इतने काम कैसे कर लेता है। हम बात कर रहे हैं कैंची मोड़ में स्वर्गीय गोपाल राम के घराट की, जिसे अब उनके पुत्र जगत राम ठाकुर चला रहे हैं। इस पुश्तैनी धरोहर को जीवित रखने के लिए जगत राम ने घराट के साथ धान की मशीनें भी लगाई है। अहम बात यह है कि वह भी पानी से ही चलती है। दिन रात मेहनत करके जगत राम ठाकुर घराट स्पेशल के नाम से घराट का पौष्टिक आटा न केवल सोलन वो बिलासपुर के दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि इसी घराट से बिजली भी पैदा कर रहे हैं। जगत राम ठाकुर ने रुड़की के एक संस्थान से ट्रेनिंग लेनी भी शुरू की, लेकिन 1990 में पिता की मौत के बाद परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई। उन्होंने घराट के काम को आगे बढ़ाया और साथ ही आय में बढ़ोतरी के लिए धान की मशीनें भी लगाई। 2006 में उन्होंने घराट से बिजली के उत्पादन की योजना बनाई। एक संस्थान से सलाह मशविरा करने के बाद उन्होंने अपने स्तर को 10 किलोवाट क्षमता का पावर प्रोजेक्ट स्थापित करते हुए नया मुकाम हासिल किया। घराट से पैदा की जा रही बिजली को वह अपने घर में ही प्रयोग कर रहे हैं। इसी कारोबार के बूते उन्होंने अपनी 4 बेटियों की शादी की। उनकी पत्नी और बेटा भी इस काम में उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं। खासकर जमा 2 की पढ़ाई कर चुका बेटा मंजीत ठाकुर इसमें काफी रुचि ले रहा है, ताकि इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाया जा सके। पिताजी थे यहाँ पे काम, धान की मशीन और घराट का काम किया करते थे। उनके मरने के पश्चात जब मैं यहाँ पे आया तो सन 1995 में घराटों से एक तहत एक बिजली तैयार करने का स्कीम आई, जो कि हमने रुड़की यूनिवर्सिटी से उसकी ट्रेनिंग की। उस समय जो घाटों से बिजली तैयार करने के लिए उन्होंने हिमाचल हिमऊर्जा को संपोषण किया और हमने वहाँ पर आवेदन किया, तो एक हमारे इंजीनियर शुक्ला जी है, उन्होंने इस बारे में हमारे को प्रेरित किया तथा उन्होंने यहाँ सारा सामान हमारे को रुड़की यूनिवर्सिटी से भिजवाया और हमारे को ये बोला गया कि जिनका जो बिजली का तैयार करने का जो बायो डेटा था वो 8 इंच पानी से तैयार करने का था, तो मैंने उनको मना कर दिया कि हमारे इतना पानी तो नहीं है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि आप इसको बांध कर दो, हम आपको बिजली तैयार करके दे देंगे। मैंने बोला मेरी तो रोजी रोटी चला जाएगी, तो वो चला गया। उन्होंने मेरे को 6 महीने का समय दिया। बाद में मैंने खुद ही मतलब क्यों ना अपने आप ही मैं इसको करूँ, तो मैंने उसी अपने प्रोजेक्ट में ही सावट जोड़ दी और अल्टरनेटर जोड़कर मैंने देखा तो बिजली तैयार हो गई। और फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से 10 किलोवाट बिजली तैयार की, तो इससे हमारे लोगों की पिसाई घराट से बिजली की पिसाई पानी से पिसाई भी की जाती है और बिजली भी तैयार की जाती है। और हमारे जब भी बिजली जाती है तो हम इसी बिजली को यूज़ करते हैं और हमारे 10 किलोवाट बिजली तैयार होती है। तो हिमाचल गवर्नमेंट से भी इस बारे में अनुरोध रहेगा कि जितने भी हमारे बेरोजगार भाई हैं और उनके पास ऐसे से स्थान जहाँ पे है, उनको अगर प्रोत्साहित किया जाए तो जितने भी हमारे घराट हैं उनको अपग्रेड करके बिजली तैयार की जाए और हमारे इलाके में छोटे छोटे गाँवों में इस बिजली की आपूर्ति को पूरा किया जा सकता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।